कर्नाटक में हो रही हत्याओं पर मचा बवाल। यूपी के बाद कर्नाटक में भी चलेगा बाबा का बुलडोजर। योगी मॉडल को लागू करेगी कर्नाटक सरकार। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में चर्चा है योगी मॉडल की। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ महीनों पहले योगी मॉडल से बुलडोजर आइडिया ले लिया था। बुलडोजर आइडिया ये है कि जो भी अपराध करे उसके घर पर बुलडोजर चलाओ। हालांकि कानूनी दांवपेच में जाए तो इस पर भी अलग तरीके का विवाद है, लेकिन योगी मॉडल केवल बुलडोजर तक ही सीमित नहीं है। सीएम योगी की पुलिस अपराधियों के पोस्टर चौराहों पर लगाती है, उन पर अलग तरीके की सख्ती बरतना, जैसे को तैसा वाला इलाज करना, ऐसे कई उपाय इसमें शामिल हैं। यहाँ इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है कि हाल ही में यानी पिछले एक हफ्ते में दक्षिण कर्नाटक में लगातार 3 हत्याएं हो चुकी हैं। अचरज ये है कि इन हत्याओं का तरीका लगभग एक जैसा है। बाइक या कार पर सवार होकर 3-4 युवक आते हैं और नृशंस हत्या कर भाग जाते हैं। शक है कि यह सब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट दरअसल एक अतिवादी इस्लामिक संगठन है जो 2006 में वजूद में आया था। कर्नाटक सरकार और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा राज्य प्रगतिशील राज्य है, लेकिन हत्याओं का ये सिलसिला जारी रहा तो हम योगी मॉडल अपनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठन के कुछ घटकों द्वारा कर्नाटक में सरकार का योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है। सीएम बम्बई ने इसी संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था। हालांकि इस हत्या के मामले में जाकिर और शफीक नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर भाजपा इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। हत्या से नाराज इन लोगों का आरोप है कि राज्य सरकार हिंदू कार्यकर्ताओं की जान बचाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है। दरअसल योगी मॉडल से अभिप्राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों से है, जिनमें से ऐसे तत्वों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल शामिल है। इतना ही नहीं, विकास दुबे एनकाउंटर का मामला भी योगी आदित्यनाथ की सख्ती का परिचय देता है। बता दें कि प्रवीण नेटारू की मंगलवार रात को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही वहां माहौल गर्म है और इसीलिए वहां के लोग सीएम योगी के बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज। क्या योगी मॉडल को सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।